भारत नहीं देखा, किस तरह से पर्यटन। ये सच है कि जो उत्तर प्रदेश नहीं देखा वो भारत नहीं, वर्ष नहीं देखा। ये भारत हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है जो गंगा और यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियों का एक अनंत चलने वाला प्रवाह है। यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश के भीतर अयोध्या में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है। अपने उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे दुनिया की विश्व की प्राचीन सांस्कृतिक नगरी काशी उत्तर प्रदेश के भीतर विराजमान है, जहाँ बाबा काशी विश्वनाथ विराजते हैं। और इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के भीतर है, और दशम अवतार गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश के कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर के भीतर है। तो यह एक हमारे लिए, और उन सारनाथ जहाँ पर उन्होंने ज्ञान वितरित किया, ऐसा स्थान उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर आगरा की सांस्कृतिक विरासत धरोहरें वो उत्तर प्रदेश के पास है। बुंदेलखंड की बुंदेलों की शहादत की और उनके संघर्ष की कहानी आल्हा रुदल की धरती उत्तर प्रदेश में है। माँ विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश के भीतर है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो को नहीं देखा वो भारत वर्ष को नहीं देखा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को पूरे दुनिया के समक्ष पहुँचने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको गति दिए जाने के लिए उनके मार्गदर्शन में निरंतर इस काम को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। और अब वो समय आ गया है जब आजमगढ़ के भी जो हमारी गौरवशाली परंपरा इतिहास और यहाँ की जो ख्याति रही है उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर कर सकेंगे।